अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 9:30 और हमारा काम का टाइम भी हो चुका है। देखिए मैं कपड़ा वगैरह सब चेंज करके एकदम मस्त बैठा हूँ और मेरा नाश्ता पानी सब कुछ हो गया। आज भी हम लोग ने अमीर भाई के घर पे नाश्ता किया क्योंकि आज भी मेरा गैस का बाटला नहीं आया है। मैं 11 बजे आज पक्का एकदम फोन लगाऊंगा भाई को कि भाई मेरा गैस का बाटला ला के देंगे कि नहीं लेके देंगे। बुक करके समझ लो 1 हफ्ता हो गया मेरे को। और अब्बा भी मस्त एकदम फुल तैयार हो गए, काम 2 बाल्टी निकाल लिए एकदम। कहाँ जा रहे अब्बा? कहाँ? सलाम तो करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साइड पे जा रहे हो अब्बा? साइड पे नहीं जा रहे, काम पे जा रहे हैं। अच्छा। हमारे साइड कोई नहीं, बिल्डर नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? तो चलिए निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेके शुरुआत करते हैं आज के दिन की। बहुत प्यारा मौसम है और मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आप लोगों को। गुड नाइट। देखिए 9:30 बजे का मौसम कुछ ऐसा है, हल्की हल्की धूप। और गाइस आप लोगों को पता है वो जो मेरी काली वाली चप्पल थी ना जो मैं पहनता था, वो पता नहीं कौन उठा के लेके चले गया यार, गायब हो गई वो। अभी देखो मुझे ये वाली चप्पल पहनना पड़ रहा है, इसमें ना कीचड़ इतने उड़ते हैं बहुत पीछे। अरे यार मैं तो अपनी टोपी भूल ही गया। टोपी कहाँ है भैया? कहाँ 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 है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरी टोपी? किधर है? कहाँ रखा अब्बा मैंने? पागल हो गया, पागल। अरे यार मेरी टोपी कहाँ रख दिया? ये देखो यहाँ पड़ी है और मैं सब जगह ढूंढ रहा हूँ। शहर में छोड़ा सॉरी शहर में छोड़ा, बगल में ढिंडोरा। ऐसा नहीं फिर? अच्छा बगल में बच्चा, बगल शहर में ढिंडोरा। हाँ बगल में बच्चा, शहर में ढिंडोरा। सॉरी उल्टा डायलॉग मार दिया था मैंने। यार मैं बहुत हार्ड बोलना कुछ चाहता और मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाता है एकदम अचानक। क्यों होता ऐसा? तू फड़फड़िया फड़फड़िया है सही है। दिमाग में ना सोचता हूँ कि ये बोलू लेकिन मेरे मुंह से ना कुछ अलग ही निकल जाता है। तो चलिए उस्ताद निकलते हैं। चलो मैं बाल्टी ले लूँ, ये लेके उतरने का ना ये बाल्टी ना। हाँ बहुत मजा है यार। ताला मार दो, ताला मार दो। बंद कर लेता हूँ खिड़की और चलिए घर से निकलने की दुआ पढ़ लेते। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलील अज़ीम। तो अब्बा जा रहे हैं दूसरी साइड पे और मैं दूसरी साइड पे। चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। और सोलिहा का ब्लॉग इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनके फोन में ना रिचार्ज नहीं है, तो इसलिए मुझे भेज नहीं पा रहे हैं। अभी रिचार्ज करवाऊंगा ना तब आप लोगों को सोलिहा और फातिमा भी देखने मिलेगी मेरे ब्लॉग में। तो फाइनली मैं पहुंच गया साइड पे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई। माशाल्लाह गुलाम भाई आ गए, अभी सीढ़ी साफ कर रहे हैं। और मैं ये मार दूं बाउंड्री, बाउंड्री मारू। तो अभी यहाँ का ये खिड़की माननी अंदर भी है इसके, और ये दरवाज़ा है और ये पूरी रेली है, ग्रिल है और ये वाली लंबी सीढ़ी है एकदम। तो अभी यहाँ खड़ा हो तो सबसे पहले इसको मार देता हूँ। सिर्फ 5 सेकंड चला जाए, ठीक है? उधर से लगा दे। वीडियो चालू है? 5 सेकंड हाँ। ये चालू है 10 सेकंड। हो गया। तो फ्रेंड्स मेरी ये वाली ग्रिल हो गई है और अभी मैं मार रहा हूँ ये वाली ग्रिल उस साइड की, फिर इसके बाद वाली ग्रिल मारनी जो सामने है ना। तो पहले फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमारे शाबाज भाई कलर मार रहे हैं और कलर मार नहीं रहे, कलर ख़राब कर। इधर देखो जरा शाबाज भाई, इधर देखो। हाँ मारो मारो जल्दी जल्दी, लेकिन पगार नहीं मिलेगी, हाँ फ्री में काम करना पड़ेगा, ठीक है? बटले सदमे में रहता है ये भी हमेशा। गाइस मेरा अंदर का जो ग्रिल था ना वो दोनों पूरा समझ लो पूरा फाइनल हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ छत पे, ये आउटसाइड का 2 ग्रिल है ना वो मारने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ छत पे, आप लोग देखिए मैं कैसे चढ़ता हूँ यहाँ से। देखो इधर से जा रहा हूँ, चलो ये वीडियो ठीक है अच्छे से पकड़। देखो भाई कैसा जा रहे लोग, इनको गिरने का कोई डर नहीं है, देख लो कैसा पकड़ के जा रहे हैं भाई। को टैलेंट है, उस दिन तो छत पे लटक गए थे भाई, उसको कुछ नहीं है। देख लो भाई, देख लो सब लोग, देख लो चढ़ गए भाई फाइनली। तो फाइनली मैं छत पे चढ़ गया और देखिए ये आउटसाइड का जो दो है ना वो मारने का, ऊपर का तो हो गया था कल ही मारने का। ला यहाँ से दे। तो ले लिया मैंने डब्बा। नहीं नहीं तू मत। देखो भाई को कलर मार रहे,
पहुंच ही गए थे वह। अभी ऊपर चढ़ाओ ना, पूरा फाइनल कर दूंगा, गोल्डन बिल्डिंग सब मार दूंगा, सब मार देंगे वह। भाई का हाथ पास से क्या बन रहा है आपका वीडियो। तो मेरी ये वाली खिड़की ब्लैक और गोल्डन मार के हो गया, और वो वाली भी फाइनल हो गई। उसके गोल्डन तो अंदर से है, तो अंदर से मारने का है वो। तो मेरा छत का पूरा काम हो गया था, और मैं जो है ना सामने चढ़ने वाला, वहां से चढ़ के आ रहा था, मेरे पैर की ऐसी एड़ बग गई। दरअसल वो है बड़ा और मैं हूँ छोटा, और मेरी पैंट भी टाइट थी ना, तो उसे जैसे ज्यादा वो मतलब खींच लिया ना, तो ये पूरा हिस्सा इतना दर्द दे रहा है यार। इसलिए लेटा हुआ देखो यहाँ पे, जैसे खिंचा हुआ हो गया सही में, बहुत हालत खराब हो गई। तो कब से लेटा हूँ मैं यार। हाय माशाल्लाह, ये बच्ची बहुत केयरफुल है, बहुत जैसे मेरे को ना तो पानी लेकर आती है तुम्हारे लिए, बोला माशाल्लाह एक नंबर। तो बच गए हैं दोपहर के एक, हम लोग खाना खाने का टाइम हो गया है। मैं तो हाथ भी धो के बैठा हूँ, अभी गुलाम भाई हाथ धो रहे हैं, और हम लोग जाएंगे उधर ही खाना खाने बैठ जाएंगे। किधर पे, होटल में ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ढाबा बोलते हैं। हाँ तो हम लोग जाएंगे जिधर पे बिरयानी बनती है ना, तो उधर ही खाना खाने बैठेंगे, पार्सल वार्सल लेकर नहीं आएंगे। तो हम लोग आए यहाँ पे खाना खाने, ये भाई निकाल रहे अभी बिरयानी, और हम लोग बिरयानी के इंतजार में बैठे हैं अभी। क्या बोलते छोटे, जब भूख लगती है ना तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। तो आ गई हमारी गर्मा गर्म बिरयानी, फ्रेंड्स मिलते हैं खाना खाने के बाद। 2 hours later। तो जो खाना खा के हम लोग ने रेगुलर हाथ चलाया है काम के लिए, तो हम लोग पूरा काम फाइनल हो गया ऊपर का पहले माले का। ये देखिए ये भी हो गया है, ये सीढ़ी भी हो गई है, ये ग्रिल भी हो गई है, और ये फालका भी हो गया है, और अंदर पे A to Z पूरा काम मेरा फाइनल हो गया है। तो इंशाल्लाह परसों से हम लोग ये सीढ़ी मारेंगे, क्योंकि कल संडे है और हम लोग छुट्टी कर रहे हैं। कल बहुत हालत ख़राब हो गई है गुलाम भाई को भी, और मेरे को भी अंदर बुखार चढ़ गया है एकदम। सर्दी तो है ही, ऊपर से बुखार भी चढ़ गया मेरा, सर हाथ पर इतना दर्द कर रहा ना, क्या बोलूँ, कैसे कैसे कम कर गया मेरे काम क्यों। तो फिर बात छुट्टी करने की सोच रहा था, लेकिन मैं बोला नहीं, अभी तो पैसा लॉस हो जाएगा, वैसे वैसे नहीं किया। हमारा जो छुट्टी का टाइम हो गया, बस 5 मिनट और, गुलाम भाई वो टचअप कर रहे, फिर काम भी बंद हो जाएगा हम लोग का पूरा। थक हार के आ गया घर पे, देखिए पूरा सामान वैसे ऐसे रखा हुआ यार, सही में कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। बदन इतना गर्म हो गया ना मेरा अचानक कि क्या बोलूँ, अभी आता हूँ डेक्लोजिन गोली लेकर आता हूँ, फटाफट डेक्लोजिन गोली खाता हूँ, फिर उसके बाद में सो जाता हूँ थोड़ा, इंशाल्लाह 1-2 घंटे में आराम हो जाएगा। तो ये डेक्लोजिन गोली मंगा लिया था, खा लिया मैं, अभी जा रहा हूँ आराम करने फ्रेंड्स, 1-2 घंटे सो जाऊँगा तो इंशाल्लाह आराम हो जाएगा, तो मिलते हैं बाद में। डेक्लोजिन खाने के बाद भी कुछ आराम नहीं हुआ फ्रेंड्स, और अभी भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आप लोग दुआ कीजिए, अल्लाह पाक सेहत और शिफा दे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।